अपना ध्यान रखना ओके। उसके बाद जंगू ऑफिस के लिए चला जाता है। जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले। ये लीजिए सर मेरी फाइल, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा है। ओके मिस्टर, मैं आपको जॉब देता हूँ, लेकिन हाँ मुझे काम में कोई भी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, और हाँ आप अपनी मर्जी से अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकती, जब मैं कहूँगा तभी जॉब को छोड़ सकती है। ओके 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 सर। मिस्टर आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। सर आज हमारे मिस्टर मिनुंगी के साथ मीटिंग है, वो थोड़ी ही देर में आते होंगे।
ओके, जब वो आ जाए उन्हें मेरे केबिन में ले आना। अरे शुगर, तुम आ गए? हाँ जंगकुक, मैं आ गया। तुम बताओ, तुम कैसे हो? काफी टाइम बाद मिले हम। जंगकुक चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद शुगर और जंगकुक मीटिंग करते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। तो जंगकुक बताओ, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। ओह थैंक यू जंगकुक। अच्छा शुगर, मैं तुझे एक बात बतानी भूल गया। कल यूनू का बर्थडे है तो हमारे घर पार्टी है, तो तुझे जरूर आना है। ओके जंगकुक, मैं जरूर आऊंगा। ओके जंगकुक, अब मुझे जाना चाहिए। बाय। ओके बाय शुगर, अपना ख्याल रखना। उसके बाद जंगकुक काम करने लगता है और ऐसे ही ऑफिस खत्म हो जाता है और जंगकुक अपने घर चला जाता है। मॉम मैं आ गया। आज जंगकुक बेटा डिनर कर ले। और फिर सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। जंगकुक बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद किया है। मॉम मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। ते बेटा, मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले मॉम डैड। ते बेटा, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, लड़का बहुत अच्छा है। मॉम डैड, बट आपने ये सब कब किया? बस तभी जब तुम इंटरव्यू के लिए गई थी। हाँ मैं बस घर आ ही रही हूँ। मैडम सुनिए, आपको चोट लग जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वेलकम मैम, ये तो मेरा फर्ज था। एक मिनट, ये आपके हाथ में फोटो किस लड़की की है? ये तो बहुत सुंदर है। जी मैम, ये मेरी बेटी है। ये तो मेरे जंगकुक के लिए एकदम परफेक्ट है। जी मैम, क्या कहा आपने? I'm sorry, मैं आपसे अचानक से पूछ रही हूँ, बट क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे जंगकुक से कराना चाहेंगे? हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी? आपने मिस्टर किम नामजून को तो नाम सुना ही होगा ना? क्या मिस्टर किम नामजून? हाँ जी, और मैं उनकी वाइफ हूँ। और हमारा बेटा है जंगकुक, और मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराना चाहती हूँ। बट मैम, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई, तो मैं परसों अपने बेटे को आपके घर लेकर आऊंगी। परसों हम ये रिश्ता पक्का कर देंगे। बट आप अपनी बेटी से पूछ लेना कि वो शादी करना चाहती है या फिर नहीं। मैम आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारी तरफ से हाँ है, मेरी बेटी को ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। तो तुम ही बताओ आयु, मैं अपने हाथ से इतना अच्छा रिश्ता कैसे जाने देता? आपने बिल्कुल सही किया। बेटा तुम्हें शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम अब तक उस एलिस को भूले नहीं? मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम इस घर में मत लेना। बेटा अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना, तो इस शादी के लिए मान जाओ। बेटा हर लड़की एलिस जैसी नहीं होती। मॉम मैंने कहा ना कि आप उस लड़की का नाम मत लो। बेटा तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस शादी के लिए मान जाओ, वरना तुम भूल जाना कि तुम्हारे कोई मॉम डैड भी है। के मॉम डैड, मैं रेडी हूँ शादी के लिए, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लो। आप जिस लड़की से मेरी शादी करा रहे हो ना, मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। अरे हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं जीनू, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मॉम डैडी, क्या किया आपने? किम जंगकुक मेरे बॉस है। तो क्या हुआ बेटा, परसों वो आ रहे हैं रिश्ते लेकर, तुम रेडी रहना। चलो बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम्हें कल ऑफिस भी तो जाना होगा ना? हाँ, और कल तो तुम्हारा पहला दिन है ना ते? और फिर ते अपने रूम में जाकर सो जाती है। एलिस तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एलिस तुमने मुझे धोखा देकर बहुत गलत किया। लेकिन हाँ, मुझे एक बात समझ आ गई कि प्यार में हमेशा धोखा ही मिलता है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी प्यार नहीं करूँगा। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि आपकी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन सच बताओ तो आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। ते बेटा, तुम ऑफिस के लिए रेडी हो गए?